गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो एक और वीकेंड की सुबह, और कहाँ जा रहे हैं हम लोग आज इस वीकेंड पे? तो हम लोग जा रहे हैं न्यूयॉर्क। वेल, टेक्निकली जर्सी में। आप पूछेंगे क्यों, वहाँ तो बार बार जाते रहते हैं। वेल, वो जगह ही ऐसी है, अच्छा खाना, अच्छे नज़ारे, मल्टीपल चीज़ें आपको इकट्ठी देखने को मिल जाती हैं, तो चलें साथ में। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं मिठास पे। जनता की डिमांड थी कि मिठास पे जाएंगे, तो हमने कहा चलो मिठास पे चलते हैं। आज तो देसी है सब। आज आपने क्या खाने का ऑर्डर किया है, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पहली बार ही ट्राई कर रहे हैं नया। सो ऑर्डर किया है एक पानी पूरी, एक दही बटाटा पूरी, एक चना भटूरा, एक पनीर टिक्का सिजलर, एक बॉम्बे वेज ग्रिल सैंडविच, एक राज कचौरी चाट, एक मिठास स्पेशल थाली, एक बादमी पूरी भाजी, एक ये सब बता, एक स्वीट लस्सी। आई थिंक कुछ छोड़ा नहीं है, मुझे लगता है सारा जो मेन्यू है वो कंप्लीट कर दिया। हाँ जी, नथिंग इज लेफ्ट आउट। मैं उससे पूछा, मैंने कहा कुछ ऐसा रह गया जो हमें और ट्राई करना चाहिए यहाँ पे? देखो इसी क्लास आज कैंसिल करवा दी है, तो जितना बोलोगे उतनी देर यहाँ रुक जाएंगे। कल वैसे भी इसकी ऑनलाइन क्लास है। भाई दे दे यार। ये है बादाम मिल्क और बहुत ही टेस्टी है। किसको पानी पूरी खाना और किसको दही पूरी खाना? तो ये फिलहाल सिजलर्स किए थे, जो कि प्रॉपर सिजलर्स नहीं है, नकली सिजलर्स हैं। और वो है अमृतसरी, अरे अमृतसरी नहीं है, तो नॉर्मल मिठास थाली है। अनीश ने किया ग्रिल्ड सैंडविच, बॉम्बे ग्रिल्ड सैंडविच। ये बेकरी पूरी शिवानी की पसंद है। कौन खाएगा इसको? आप खाएंगे इसको? है हिम्मत, क्या दम है, आप खाएंगे इसको? क्या आप खाएंगे इसको? सारी दे दो, इतने सारे हैं, सभी खा लेंगे। थैंक यू। हाउस द जोश? गुड। अच्छा है जोश, और मंगाओ। सुबह एक अच्छा खाना खाने के बाद अब हम लोग वॉक की सख्त जरूरत है, तो हमने कहा कंपाउंड में थोड़ा वॉक करते हैं और थोड़ी ग्रोसरीज कर लेते हैं। ये क्या शिवानी? खुशी आ गई सबके चेहरे पे, जैसे ही देखा पिता के रस है यहाँ पे। पापा एक मिनट, हम वेट कर रहे थे आपकी लंबी। बस चार पीछे आपकी हाइट की जरूरत है। कितने उठाने और इसकी एक्सपायरी डेट चेक कर लेना रामू काका। सब अपनी शॉपिंग में। सो थोड़ी वॉक, थोड़ी ग्रोसरी शॉपिंग के बाद अब हम लोग आए हैं। कहते हैं ना पेट पूजा, पहले पेट अब पूजा। तो हम लोग आए हुए हैं दुर्गा टेंपल पे, आपको भी दिखाते हैं। हाँ जी, काजू खाओगे? काजू काजू हेलमेट नहीं खा ले, पहले थोड़ी सी खा ले, ये ले खा ले। You popped me.
तिलक लगा दिया। मैंने लगाया, आशी ने भी लगाया। आशी ने इसको लगाया नहीं किसी ने, नानू ने टिक्का लगाया बेटा। सो दुर्गा टेंपल के बाद अब हम एक और टेंपल पे आए हैं जो कि आप पीछे देख सकते हो बहुत ही सुंदर है अभी तक बाहर से, लेकिन अंदर से हमने सुना है और भी ज़्यादा सुंदर है। यस, हम लोग हैं बप्स के टेंपल पे और पहली बार आए हैं, बहुत बार सुना है इसके बारे में, एक बार कोशिश की थी, लोकेट नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार फाइनली हमने बस मन बना ही लिया कि जाना ही है। तो ये जो आप पीछे देख रहे हो ये बप्स का टेंपल है। मेरे को दे रहे हो, यहाँ भीड़ देखो कि भीड़ कितनी है, मतलब हर जगह गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। हाँ जी, और यहाँ से डाइनिंग का हिसाब है। We are so glad to spend these few days exploring and experiencing Zadavpur. Oh, trust me guys, you won't regret it. Mohan Pyare. Radhe Radhe. Radhe Radhe. तो ये आपको हमारी फैमिली इकट्ठे दिख रही है कहाँ पे, बप्स के मंदिर पे। बहुत ही अच्छा लगा इकट्ठे, स्वामी नारायण मंदिर। अब जा रहे हैं हम लोग, चाय पीने। और अब जिस जगह पे आए हैं वो थोड़े टाइम पहले भी आप इस जगह देख चुके हो, देसी गढ़ है ये। आओ इधर से पापा। ओ या, क्या कहा आपने, आप शेयर नहीं करोगे? मेरे नेता लोग अपने भाषा बदल लेते हैं, मैं क्यों ना बदलूं। मैंने कुछ क्या है, पिस्ता, ये वाली मलाई, केसर, एक्स्ट्रा प्लेट्स दे देंगे। फाइनली न्यूयॉर्क सिटी का ट्रिप एंड करने के लिए हम लोग कहाँ पे रुकते हैं आप सब जानते हैं, एक्सचेंज प्लेस की बोर्ड वॉक पे। यस, उस आइकॉनिक जगह पे जहाँ पे आपको पूरी स्काईलाइन दिखती है न्यूयॉर्क सिटी की, और ये व्यू तो बस मतलब सबसे मेरा फेवरेट व्यू है ये वाला। और कभी भी न्यूयॉर्क सिटी आऊँ मैं तो इस ट्रिप को मैं इस व्यू को कभी मैं स्किप नहीं करता। इसको कहते हैं डिसरिगार्ड। माय जैकेट इज आशीष ब्लैंकेट नाउ। हमें जैकेट नहीं है। मेरा प्राइड है, प्राइड। तुम क्यों मुंह खुलवाते हो? लटक लटक गया साथ में मेरे पास, किसी तरह मन नहीं भरता। मैं यहाँ पे कितनी बार आ जाऊँ मेरा मन नहीं भरता यहाँ पे। चेक चेक चेक। और ये जो आप पीछे देख रहे हो ये मैनहट्टन की स्काईलाइन है, ये मम्मी, ये शिवानी है, ये बीवी है, मेरे बच्चों की माँ है, मेरे बच्चों की माँ है, ये आशिता है, ये शिवानी है, ये पापा है, ये पापा है, ये मम्मी है, ये अनीश है, ये मम्मी है, और यहाँ हमारी पहाड़ी हो रही है। अब कहो क्या कहना है। बड़े फेमस हो गए हम।
क्यू के आगे कुछ नहीं निकलता, बस देखते रहो इस व्यू को, यही आता रहता है। बहुत ही अमेजिंग इस व्यू का जो आखिरी पॉइंट है वो है कोलगेट क्लॉक, और यहां से आपको दूर दिख रहा होगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एंड दैट्स कोलगेट क्लॉक। दिस इज द फेमस कोलगेट टावर, और उधर आप देख रहे हो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। थोड़ा पास से भी करेंगे। सो कोलगेट क्लॉक चैग्ड। तो पीछे आप जो देख रहे हो मेरे वो है कोलगेट क्लॉक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने, और सबका बैंड बजा पड़ा है, सब थके पड़े हैं। थोड़ी सी और फोटोज लेंगे इंडिविजुअल, फिर चलते हैं। तो ये अब आपकी वीडियो बन रही है। बस यार हो गया। Where is the Josh? Here. Where is the Josh? Here. Where is the Josh? Here. At home sleeping. It's night. Yep. That's Empire State Building. वो वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। सो एक फाइनल स्टॉप हम लोग अब ले रहे हैं टाइम्स स्क्वायर का। रुकते तो नहीं है आजकल वहाँ पे, काफ़ी साल हो गए हैं हम टाइम्स स्क्वायर रुकते नहीं है क्योंकि थोड़ा अनसेफ लगता है फिलहाल, लेकिन डेफिनेटली एक ड्राइव थ्रू लेंगे। तो आप भी चलिए साथ। ब्राइंड पार्क न्यूयॉर्क का, सर्दियों में होती है स्केटिंग रिंक और गर्मियों में पता नहीं क्या होता है, बट बहुत सारे गर्मियों में शॉपिंग वो लगते हैं ना स्टॉल्स। हाँ, शॉपिंग स्टॉल्स अभी भी होते हैं, खाने और शॉपिंग के स्टॉल्स अभी भी हैं यहाँ पे। ये न्यूयॉर्क की मैडनेस, कोई तो थिएटर होगा पक्का यहाँ पे। कुछ तो थिएटर, हाँ थिएटर होगा यहाँ पे ना। अभी फेमस 42nd स्ट्रीट न्यूयॉर्क की ब्रॉडवे। हाँ जी चले, ग्लास अगर एक कम पड़ रहा है या टूट गया तो एक और ले आए। हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड।
घर की तरफ। हाँ जी चला तो घर जाने के अच्छा वो जो आप देख रहे हो वो एक्चुअली वॉरशिप है, इंटरप्रेट इसको म्यूजियम कहते हैं, जिसपे काफी सारे प्लेन्स शोकेस पे लगाए हुए हैं, स्पेस म्यूजियम है, मल्टीपल चीजें।